नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। पूरे देश की निगाहें इस वक्त हरियाणा पर टिकी हुई हैं, क्योंकि वहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आने वाले शनिवार 6 दिन बाद हरियाणा की जनता ईवीएम का बटन दबाने वाली है, अपने मत का इजहार करने वाली है। और 10 साल से हरियाणा में लगातार बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन सरकार है। लड़ाई सीधी सीधी कांग्रेस और बीजेपी के बीच बताई जा रही है। कहने को अलग अलग गठबंधन भी हैं। दुष्यंत चौटाला, चंद्रशेखर रावण साथ साथ हैं, मायावती, अभय चौटाला, गोपाल कांडा भी हैं। आम आदमी पार्टी भी कहने को ताल ठोक रही है, लेकिन जानकार ये कहते हैं लड़ाई तो कांग्रेस और बीजेपी में है। तो कांग्रेस के कर्ता धरता सबसे बड़ा चेहरा हरियाणा में जो हैं, वो हैं भूपिंदर सिंह हुड्डा। 10 साल मुख्यमंत्री भी रहे हैं, 9 साल 235 दिन सबसे ज्यादा लगातार मुख्यमंत्री रहने का श्रेय उनके ही कांधे पर टिकता है जाकर। और उनके बाद सबसे लंबे मुख्यमंत्री कोई रहे तो वो मनोहर लाल खट्टर, 9 साल 118 दिन। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें हटा दिया गया। एंटी इनकम्बेंसी की एक काट थी या एक राजनीतिक रणनीति बीजेपी की तरफ से? तो इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बेहतर आदमी कौन हो सकता है? और आज उनके नाश्ते की टेबल पर, उनके घर रोहतक में डी पार्क पर, जो उनका घर है वहीं हम मौजूद हैं। और जो ये खाना है, पहले मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिचय कराऊं, उससे पहले हरियाणा के बारे में जो कहा जाता है ना कि देसा में देश हरियाणा, जे दूध दही का खाना, तो मक्खन भी है, दही भी है, जलेबी भी है। और छोटी मोटी ना है, अच्छी खासी जलेबी है, मुँह भर जा, स्वाद सा भी आ जा। तो पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा तो होता रहता है। पर सवाल सबके मन में ये है, ये हरियाणा का चुनाव क्या कह रहा है? हरियाणा चुनाव लोग मन बना चुके हैं, 36 बरादरी। अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार या हुड्डा की सरकार? कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी सब लड़ रहे चुनाव, तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस सब लड़ रहे हैं, पर ये इतनी दिल्ली में, और खासकर क्योंकि मैं दिल्ली से काम करता हूँ, हुड्डा साहब दिल्ली में बड़ी चर्चा है, ये शैलजा नाराज, रणदीप सुरजेवाला नाराज, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ अपनी चला रहे हैं, और अच्छी खासी जो ट्रैक पे गाड़ी जा रही थी वो बिना बात डिरेल की जा रही। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कांग्रेस एक मत है सब। ये तो आप लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं, ये हमारी बनाई हुई। और क्या, सब कांग्रेस की मदद कर रहे हैं, सब कांग्रेस का चुनाव लड़ रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से कांग्रेस के मजबूत करने की बात कर रहे हैं, कोई मतभेद नहीं। असंध में आप साथ दिखते हैं, आप बाएं खड़े थे राहुल गांधी के, दाएं कुमारी शैलजा, मैनिफेस्टो आप जारी कर रहे थे कल, तब फिर कुमारी शैलजा गायब, रणदीप सुरजेवाला गायब। मैनिफेस्टो में तो कोई जरूरी नहीं होता, सब इलेक्शन लड़ेंगे या कहाँ करेंगे, तो अपने अपने चुनाव क्षेत्र में काम कर रहे थे, अपने उम्मीदवारों के, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के लिए कार्य कर रहे थे सब। हमारी तो मजबूरी थी, वहाँ आना था, मैं तो स्पेशली गया वहाँ, क्योंकि अशोक गहलोत जी थे वहाँ, रिलीज किया। पीसीसी प्रेसिडेंट और सीएलपी लीडर की जरूरी अनिवार्य होती है, बाकी सब साथ साथ हैं। हाँ बिल्कुल, क्या ये अब एक न्याय यात्रा भी निकल रही है? ये यात्राओं का क्या चक्कर है, कितनी यात्रा निकालेंगे कांग्रेस वाले? आपने अपनी एक यात्रा निकाली है, कुमारी शैलजा ने एक, रणदीप सुरजेवाला ने, अब राहुल गांधी भी यात्रा पर निकलने वाले हैं। राहुल गांधी नेता हैं, क्यों नहीं निकालेंगे, कांग्रेस के हक में निकालेंगे वो, और उनका एक तरीका है लोगों तक पहुँचने का, और सब ने अपने अपने हिसाब से कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। वो भारत जोड़ो यात्रा पर भी निकले थे, उसका अच्छा खासा असर पड़ा, जोश उत्साह बढ़ा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में। तो हरियाणा में आखिरी 3 दिन, भाई 3 तारीख को तो प्रचार खत्म हो जाएगा हुड्डा साहब, तो 2 तारीख तक, 30, 1 और 2 को ये यात्रा, ये लास्ट माइल पुश है या ये एक रक्षात्मक स्ट्रैटेजी भी है कि नहीं भाई जीतना किसी भी कीमत पर जीतना? नहीं, यात्रा का मतलब ये है, डिफरेंट जगह पब्लिक मीटिंग एड्रेस करेंगे, वो रास्ते में जाएंगे, बाइक, हाइब्रिड यात्रा है, गाड़ी से भी चलेंगे, पैदल भी, गाड़ी से चलेंगे। अच्छा। गाड़ी से चलेंगे,
तो ये आखिरी तीन दिनों में आने का मतलब क्या है? सदैव आते हैं, और यहाँ उन बीजेपी के नेता भी आखिरी तीन दिनों में आ रहे हैं। बीजेपी के नेता आ रहे हैं, आपसे बड़ा प्रेम भी दिखा रहे हैं कि दामाद दलाल डीलरों की सरकार फिर से आ जाएगी अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनते हैं। देखिए 10 साल हो गए, मैं कई बार कहा, असेंबली में भी कहा था ये, मैंने ये नाम लेते हैं रॉबर्ट वडारे जी को सरकारी एक जमीन नहीं दी, मैंने अनोध कह सकता हूँ, बिना बात के करना कोई बात को। फिर ये इतने सालों से ये अफवाहें और ये आरोप कैसे चल रहे हैं? अफवाहें हैं, जब तो कुछ हुआ नहीं भाई, कोई केस नहीं, कोई बात नहीं। अब प्राइवेट डीलिंग किसकी किससे होती है, इसके सरकार से मतलब? सरकार ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने एक गज एक फुट भी जमीन रॉबर्ट वाड्रा को नहीं दी, सरकारी जमीन कोई नहीं दी, सरकारी जमीन कोई नहीं दी। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। तो ये सारे मनगढ़ंत आरोप हैं, ये झूठे आरोप? आरोपी हैं, आरोप हैं। ईडी की जांच की बात आती है, ईएमआर एमजीएफ पर हो रही है जी, वो जमीनें आपके टाइम पर दी गई किसको? कि इन ग्रुप्स को। मैंने कहा सरकारी जमीन मैंने किसी को नहीं दी। सरकारी जमीन अगर दी हो तो कोई भी कार्रवाई के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा तैयार? हाँ बिल्कुल, किसी भी प्राइवेट डेवलपर को नहीं दी हमने, ये अलग बात है। एक्वायर करी, इंडस्ट्रियल प्लॉट काटे या हुड्डा के सेक्टर बनाए, और इनकी तरह लूट नहीं मचाई, इन्हें लूट नहीं मचाई। लॉटरी से निकलता था आम आदमी को जो मिलने वाला था, प्लॉट में रेजिडेंशियल कॉमर्शियल। प्रधानमंत्री मोदी चाहे वो हिसार आए कुरुक्षेत्र आए, वो ये कहते हैं कि जी किसानों की जमीन, क्योंकि किसान आपने एक बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है हरियाणा के चुनाव में। अरे भाई हुड्डा साहब तो किसानों की जमीन बेच देते हैं। ये हरियाणा की लैंड एक्विजिशन पॉलिसी जो हमारे टाइम की थी, सारे देश में लागू हुई, सबसे बेहतरीन लैंड एक्विजिशन मानी गई। जो लूट मचाई हुई थी पहले इनेलो बीजेपी सरकार में, वो लूट बंद की मैंने। किसानों एक एक लाख दो दो लाख रुपया कंपनसेशन मिलता था, मैंने पूरी प्रदेश का फ्लोर रेट फिक्स किया, और रातों रात करोड़पति बने किसान। और आज की तारीख में तो असली किसान नकली किसान पर भी विवाद हो रहा है, असली और नकली, नकली है कि असली है, और जी शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए वो तो नकली किसान है, मुखौटा लगाए बैठे हैं, और कांग्रेस आग में घी डालती है, उनका इस्तेमाल कर रही है, ये मनोहर लाल खट्टर कहते हैं। खट्टर जो उनकी समझ में आए वो कहते हैं, जो किसानों के साथ जो किया साढ़े वो तीन कानून लेके आए, वापस लेना पड़ा ना, जो किसान विरोधी थे। ये जो किसान वहाँ बैठे हैं, अगर आपकी सरकार बनती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो वहाँ से बैरिकेड हटा देंगे आप? बिल्कुल, देखिए प्रजातंत्र है ये, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हाँ कोई व्यक्ति अपने हाथ में कानून ले तो हमारे पास सरकार के पास शक्ति होती है, उसका कानून का इस्तेमाल करो उसके खिलाफ। लेकिन अगर कोई शांतिप्रिय ढंग से आएगा अपनी बात कहेगा तो सरकार का यही फर्ज बनता है उनकी बात सुने, उनकी समस्या सुने, समाधान निकालने की कोशिश करे। हाँ कोई कानून हाथ में ले उसके जरूर खिलाफ है। तो मतलब पंजाब से किसान अगर वो दिल्ली आना चाहते हैं, वो सरकार वही पुरानी मांगे हैं, 378 दिन जो आंदोलन चला था प्रभावी बनाने की बात है एमएसपी को, उन्हीं मांगों को लेकर अगर वो हरियाणा से गुजर कर दिल्ली आना चाहेंगे तो आप नहीं रोकेंगे अगर आपकी सरकार? किसी को क्या एतराज है, हाँ कानून हाथ में किसी को नहीं लेने दिया जाए, कानून हाथ में नहीं लेने, किसी की भी सरकार हो किसी को भी ये इजाजत नहीं दी जाती है कि कानून अपने हाथ में ले। शांतिप्रिय ढंग से प्रजातंत्र है, सबका अधिकार है अपनी बात सुनाना। पर प्रजातांत्रिक तरीके में जी, वहां तो लाशें लटक रही थी, बलात्कार हो रहे थे, बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ये बात कहती पाई गई है? देखिए मैं व्यक्तिगत बात नहीं करता, लेकिन जो भी अगर कानूनी कोई ऐसी है तो वो तो कार्रवाई ठीक है, जो कानून हाथ में लेता है तो कार्रवाई ठीक है। पर जो किसानों पर ये कहा जाता है भाई ये बलात्कार कर रहे थे, हत्या हो रही थी, ये तो खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये तो आंदोलन जीवी हैं, किसान ना पाकिस्तानी है ना खालिस्तानी है, किसान किसान है, कोई भी हो, कोई भी हो। पर किसान आंदोलन को क्या आप पीछे से हवा दे रहे थे जानबूझकर, अपने राजनीतिक फायदे का इस्तेमाल कर रहे थे? नहीं कोई आंदोलन नहीं, जो उनकी जायज मांगी थी उनका समर्थन जरूर किया हमने, बाकी कभी आंदोलन के हिस्सेदारी नहीं बने हम।
पर पहलवानों के आंदोलन में तो आप हिस्सेदारी आपने बाकायदा की कि भाई ये विनेश को, बजरंग पूनिया को, दीपेंद्र हुड्डा आपके जो बेटे हैं और सांसद भी हैं, कि उन्होंने समर्थन दिया। ये तो कुश्ती संघ पर कब्जे की लड़ाई थी और मोहरा बना दिया ये महिला पहलवानों। नहीं, जब वो धरने पे बैठी और जब मैंने देख सुना कि जो अन्याय हुआ, आप देख रहे हैं कोर्ट में केस चल रहा है, सब जुडिस है, केस कैसे थोड़े चलता है, चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं, वैसे चार्जेस फ्रेम थोड़े होते हैं। तो न्याय, मैं जुडिशरी पे पूरा विश्वास है, आप देख रहे हैं। हाँ, ये इनका, इनके जब ये धरने पे बैठी थी, जब जरूर मैं इनके समर्थन में गया था। को किसी के साथ भी जाती होगी, हमारा फर्ज है। भूषण शरण सिंह तो कहते हैं कि नहीं, ये एक खास तबके, एक राज्य के लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। मैंने किसी के नाम से आप ऐसे बात करो, जो मेरी बात है मेरी से करो, वो कौन क्या कहता है वो तो अब कोर्ट फैसला कर देगा, या आपने जो आके यहाँ अपनी बात सफाई दे बता लीजिएगा। नहीं कि विनेश फोगाट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लाना से चुनावी मैदान में उतार दिया, ये विशुद्ध राजनीति हो रही है। ये पहले बबीता फोगाट को बीजेपी ने लड़ाया, संदीप सिंह को लड़ाया, योगेश्वर दत्त को लड़ाया, जब तो राजनीति नहीं दिखी इनको। ये जब उसके इसका विनेश का सिल्वर मेडल हुआ और गोल्ड मेडल मिलना था, मैं भी खिलाड़ी हूँ, मैं समझता हूँ कोई ना कोई कहीं गाइडेंस की कमी रहेगी उसकी, जान के या अनजाने में, वो तो टाइम बताएगा, लेकिन उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं देगी। 100 ग्राम कोई ऐसा वजन नहीं है जो कम ना कर सके पहलवान। सो उसको जब जाती हुई और जिसने मैंने देखा टीवी पे, बोली है कि मैंने तो पहलवान छोड़ दी, मायूस हो गई। उस टाइम मैंने कहा था, बीजेपी को भी कहा था कि भाई ये मायूस हो गई हैं, इनको करो आप, इनकी जो दिल में चोट लगी है उसको मरहम पट्टी लगाओ। तो उसका एक तरीका ये भी हो सकता है, राज्यसभा में नॉमिनेट कर दो इनको, मेरी मेजोरिटी नहीं है, नहीं तो हम इलेक्ट कर देते। ये बात हुई, वो आए वहाँ पर, राहुल जी से मिले, बजरंग अरव, उन्होंने कहा भी एक को टिकट दो, और हमने टिकट दी उनको, और इस वास्ते दी कि हरियाणा 2% पॉपुलेशन है देश के, लेकिन कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडल मिलते हैं तो 38 में से 22 आते हैं, ओलंपिक के 6 मेडल मिलते हैं, 4 हरियाणा के हैं, ताकि जो हमारे खिलाड़ियों का हौसला न टूटे, एक प्रेरणा स्रोत रहे, भाई कहीं जाती होती है तो हम हरियाणा उनके साथ खड़ा। मैंने विनेश से भी बात की थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, और विनेश का ये भी मानना था कि वो भारत के मेडल की तौर पर वो लड़ाई नहीं लड़ी गई, कि अरे ये विनेश को मेडल मिलना है तो जो कानूनी प्रक्रिया भी थी उसका जो सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया पेरिस में। क्या आप इस बात से इत्तेफाक? देखो मैं तो कहा ना कि प्रॉपर गाइडेंस की कमी रही उसकी, नहीं वो गोल्ड मेडल की वो थी, मतलब मेडल में भेदभाव हो गया, ये विनेश का मेडल है, भारत का मेडल के तौर पर उसको नहीं देखा। नहीं, भारत का खिलाड़ी का मेडल किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, खिलाड़ी का मेडल देश का होता है। पर उस पर भी राजनीति हावी रही, वो तो जो करे करने वाले से पूछो। विनेश फोगाट को जो आपने अब चुनावी मैदान में उतारा है, ये लड़ाई बच्चियों की भी है, लड़कियों की भी है, खिलाड़ियों की भी है, उस प्रदेश में है जहां पर पानीपत से ये नारा बुलंद किया गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो क्या अगर विनेश चुनाव जीतती है, आपकी सरकार बनती है, उसे खेल मंत्री बनाएंगे आप? ये हाइपोथेटिकल सवाल है आपका, जो उनका टिकट देने का, चुनाव लड़ने का मकसद मैंने बता दिया। नहीं, खेल में राजनीति इतनी हावी हो जाती है, खिलाड़ी दरअसल बाकी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित नहीं कर पाते, मोहरे बन जाते हैं। एक खिलाड़ी, आप खुद भी खिलाड़ी हैं, इसलिए सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। बीजेपी ने बनाया था ना संदीप सिंह को, फिर आज उनका देखा किस प्रकार से उसका वो किया, आपको मनाई है जब उनके ऊपर चार्जेस लगे और खट्टर साहब ने कह दिया मैं इसका इस्तीफा नहीं लूँगा। मैंने कहा भाई इतने इंक्वायरी हो, हम किसी को दोषी नहीं करते हैं, जब तक निर्दोष साबित ना हो तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं लूँगा। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा क्या हरियाणा में? हरियाणा की एक बड़ी दिक्कत, हरियाणा में बहुत सारी खूबियां हैं लेकिन एक बड़ी कमजोरी एडवर्स सेक्स रेशो है, जो अनुपात है महिलाओं का और पुरुषों का, वो महिलाओं के अगेंस्ट है। तो विनेश फोगाट जैसी
लड़कियों की राजनीति में एंट्री क्या वो समानता और वो सम्मान दिला पाएगा क्या आप इसे एक बेहतरीन टिकट दिए? 11 टिकट दिए, 11 महिलाओं को टिकट दिए, पर महिलाओं की बात होती है बीजेपी कह रही है आप तो सम्मान नहीं करते, दलितों का अपमान करते हैं, कुमारी शैलजा की बात नहीं सुनते। जब उनके पास कोई अपना उपलब्धि कहने को नहीं है तो मुद्दे, जिनके पास मुद्दे नहीं है वही लोग ऐसी बात करते हैं। नहीं तो अपनी उपलब्धि बताएं, हम 10.5 साल में क्या किया है, जैसे हमने सब बताई। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं पिछड़ा और दलित विरोधी है कांग्रेस। भाई वो कुछ भी कहें, लेकिन अगर किसी की तेजी है पिछड़े की या दलित की तो कांग्रेस ही है। ये रिजर्वेशन किसने दी? संविधान ने दी है ना। मेरे को इस बात का गर्व है कि जो जिसने जब रिजर्वेशन दी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ, मेरे स्वर्गीय पिताजी के दस्तखत हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे चौधरी रणबीर सिंह, और आप जब अतीत में जाते हैं, ये अतीत की बातें, इतिहास के जब गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं, आपके मन में क्या गुजरती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा? क्योंकि चौधरी माटू राम, आपके दादा की भी मैं बात करूं, वो गांधी के अनुयायी थे, पर यहाँ पर आजकल देश को आज़ादी किसने दिलाई, बंटवारा कैसे हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है, ये बातें बहुत की जाती। चलो तो अतीत की तो बातें क्या है, लेकिन देश आज़ाद हुआ, लोगों की कुर्बानी से दी, और बहुत सारे लोगों को तो पता भी, जैसे मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, मेरे पिताजी थे, ऐसे बहुत वो हुए, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनका गांव और नाम भी नहीं पता। लाखों की कुर्बानी से देश आज़ाद हुआ है, और इस देश की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब थे। दलितों की हम बात कर रहे थे, 25% वोट बैंक से 2019 में आपको 25% दलितों ने वोट दिया, और 2024 के लोकसभा चुनाव में 68% ये वोट बैंक आपके पक्ष में जाता दिखा। दलित वोट बैंक कितना महत्वपूर्ण होगा? मायावती अभय चौटाला के साथ ही गठबंधन बनाए बैठी हैं, चंद्रशेखर रावण ने दुष्यंत चौटाला के साथ हाथ मिलाया होगा। मैंने कहा ना, दलितों को किसी पे विश्वास है तो कांग्रेस पार्टी पे विश्वास। ऐसा क्यों? कांग्रेस उनकी तेजी रही है सदा। बीजेपी तो इस बात का मुद्दा बना रही है, सात समंदर पार जाकर राहुल गांधी कहते हैं कि जब सबको समानता मिल जाएगी तो आरक्षण हटा देंगे, कि ये तो जी इनके डीएनए में है, ये आरक्षण विरोधी है। ऐसा है, ये इंटरप्रिटेशन की बात है, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही। ऐसी कोई बात नहीं है, या ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला खेल भी है 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हुआ, जो आप संविधान दिखाकर वोट बैंक अपना हासिल कर पाए? ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने कहा। इंटरप्रिटेशन कोई कुछ कर लो, आप लोग अधूरी बात करोगे, अधूरी बातें कहोगे, अपने स्वार्थ की बातें कहोगे। राहुल गांधी कभी ऐसा नहीं कह सकते, उनके पूर्वजों के दस्तखत हैं इस पर, उनके पूर्वज प्रधानमंत्री थे देश के, जिन्होंने संविधान में ये प्रावधान किया है, और इसी बात के लेके लड़ाई लड़ी उन्होंने कि संविधान को बदलने नहीं देंगे। और इसलिए आप हमेशा 36 बिरादरी की बात करते हैं, पर आप पर आरोप ये भी लगता है आप जाट राजनीति को बढ़ावा देते हैं। आप पर भी लगता है ये, फिर क्या बोलो, करते हो आप ऐसे काम? बिल्कुल नहीं करता। फिर मेरे पे क्यों लगता भाई? लगता क्यों है, ये अपने आप में एक सवाल है। आपको पता होना चाहिए, आर्यसमाज जी हैं, परिवार से हूँ मैं, उस परिवार से हूँ जिसके दादा ने सबसे पहले अपने कुएं पे दलितों को चढ़ाया था, उनके घर जाए खाना खाया था, समझे? आर्य समाज में ये नहीं है। तो ये दिल्ली में जो एक नैरेटिव चलता है, जाट गैर जाट राजनीति होगी, बीजेपी गैर जाट वोट बैंक को लामबंद करके पटकनी दे देगी कांग्रेस को, ये कोई मुद्दे की राजनीति नहीं है, ये कोशिश होती है लेकिन है नहीं। यहाँ हरियाणा में कोई ऐसी बात नहीं है, सब 36 बरादरी जो है इस बात को समझते हैं। गांव में सड़क बनेगी तो एक के काम आएगी क्या? 36 बरादरी जाएगी ना। गांव में स्कूल बनेगा तो 36 बरादरी जाएगी, कोई रेलवे लाइन बनेगी, मेट्रो बनेगी, 36 बरादरी के लिए ना, ये कोई बात है? हमने स्कूल बनाए, रेलवे लाइन बनाई, मेट्रो बिछाए, सब 36 बरादरी के लिए होते हैं। नहीं, पर जो काम करे उनमें तो ज़्यादातर कब रोहतक झज्जर सोनीपत से आगे देख ही नहीं पाते हुड्डा साहब, बीजेपी ये कहती है। बीजेपी कुछ कहते तो बीजेपी का एजेंडा लेकर आ रहा है क्या, बता दूंगा। आप बीजेपी के आदमी हो? बिल्कुल नहीं, मेरे को लगता है
अच्छा, क्योंकि एजेंडा बीजेपी का ले गया है अब। सबको पता है कि मेरे समय में उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा दो चीज सबसे बड़ी है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने अपने समय में 81 किलोमीटर मेट्रो बिछाई, उन्होंने एक मेट्रोपोल बढ़ाया तो बता दे। इसका जवाब नहीं दे पाते बीजेपी। बात तो सुनो फिर, जो तने बात की उस बात करो। 250 किलोमीटर रेलवे लाइन मंजूर कराई या बिछाई, 1 इंच उन्होंने कराई तो बता दे। और आप शुरू हो जाओ शिक्षा में, पंचकुला से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पंचकुला में, और कुरुक्षेत्र में देश का दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कुरुक्षेत्र में, कल्पना मेडिकल कॉलेज करनाल में, वुमेन यूनिवर्सिटी सोनीपत में, महिला वुमेन कॉलेज सोनीपत में, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी उसमें डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से लॉ स्कूल, और निफ्टम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी वहाँ पर है जी। और आप फिर आ जाओ मूर्थल, एक यूनिवर्सिटी का छोटा सा इंजीनियरिंग कॉलेज था। 12 बड़े इंस्टीट्यूट खोले आप। बात सुनो, आप जो बात की उसका बात जवाब दे रहे हो। फिर फरीदाबाद आ जाओ, मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, YMCA को यूनिवर्सिटी हमने बनाया। गुड़गांव चले जाओ, देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी का आधारशिला हमने रखवाई। रेवाड़ी चले जाओ, इंदिरा जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, सैनिक स्कूल बनाया। जजराव एम्स बनाया, कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया। आप महेंद्रगढ़ चले जाओ, एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली थी वो महेंद्रगढ़ में बनी, वहाँ मेडिकल कॉलेज भी होगा, लॉ कॉलेज भी होगा। फिर आप भिवानी चले जाओ, चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, वहाँ भी मेडिकल कॉलेज होगा। फिर आप सिरसा चले जाओ, वहाँ पर चौधरी देवीलाल के नाम से छोटी सी यूनिवर्सिटी थी, उसको राष्ट्रीय स्तर का बनाया। हिसार में लाल लाजपत राय के नाम से एनिमल साइंसेस की यूनिवर्सिटी बनाई। आप इधर आ जाओ, जींद चौधरी रणवीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई। आप देखो पूरे ये एक इलाके काम है, उनके पास मुद्दे नहीं है, मुद्दे इन बात करते हैं। मैंने 4 थर्मल पावर प्लांट, 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट फतेहाबाद में लगाया, 1 पावर प्लांट लगाया यहाँ पर हिसार में, थर्मल प्लांट 1 लगाया यमुनानगर में, 2 लगाया झज्जर में। अरे इन्होंने 10 साल में 1 यूनिट बिजली बनाई है। तो पर जब आपने इतने काम किए और ये किए हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, उसके बावजूद 2014 में 9 साल 235 दिन आपको मुख्यमंत्री बनाने के बाद हरियाणा वासियों ने ना सिर्फ हराया बल्कि आपकी पार्टी को, कांग्रेस को, आपको तीसरे नंबर पर क्यों धकेल दिया? तीसरे नंबर पर 2014 के विधानसभा चुनाव की बात नंबर पर INLD दूसरे नंबर पर, तो आप तीसरे नंबर पर आए। प्रजातंत्र है, इनसे आशा थी ये करेंगे, तो निराशा में बदल गए। निराशा में बदले, इस बार क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप ये भरोसा रखते हैं कि आप सत्ता पर वापस आने वाले हैं, काबिज होने वाले हैं? सत्ता और ना सत्ता का सवाल नहीं है, सवाल ये है जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल खिलाड़ी में नंबर एक था, आज जो है प्रदेश बेरोजगारी में नंबर एक है, महंगाई में, कानून व्यवस्था यहाँ तक चरमरा गई। स्पेशल जो ये अपना होता है ना प्रोग्रेसिव, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स, वहाँ उन्होंने हरियाणा को असुरक्षित कर रखा है, मेरे थोड़े है, वो तो इनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और खिलाड़ियों आप देख रहे हो, हमारी पहलवान बेटियों को अब तक न्याय नहीं मिला। राहुल गांधी डंकी का भी जिक्र करते हैं, वो जो एक फिल्म आई थी, और पलायन हो रहा है जी, बाहर जाना पड़ रहा है, क्या वो बढ़ा चढ़ा कर इस बात को पेश कर रहे हैं? भाई अगर हरियाणा का छोरा जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, पहले भी जाया करते? नहीं, हरियाणा में इतने नहीं जाते थे, अब तो पढ़ाई के लिए जाते थे और जाते थे, अब तो नौकरी के लिए जा रहे हैं। वहाँ किस किस्म की नौकरी कर रहे हैं? अपनी घर धरती बेच के जा रहे हैं, धरती बेचनी पड़ रही है। बेरोजगारी की आप समस्या कह रहे हैं, उसमें जवान का जो ये इशू है, जो अग्निपथ, अग्निवीर को लेकर 10-10 हज़ार छोरे हरियाणा के फौज में भर्ती होया करते, तो 40 हज़ार कुल मिलाकर भर्ती रह गई, ये कितनी बड़ी समस्या है। इसका कोई हल भी है? राजनीतिक पोस्चरिंग वो सब जानते हैं, आपने जो स्टैंड लिया हुआ है, इसका हल क्या है भूपेंद्र सिंह? हल एक ये, रेगुलर भर्ती होती है, इसको आप कैसे आप कर पाएंगे? आपकी सरकार तो नहीं है केंद्र केंद्र में आएगी तो कर पाएंगे?
वरना तब तक अधर में लटका रहेगा युवा, जो भी है। ये नौकरी एक सर्विस मैन की तो वैसे ही रिजर्वेशन है, वो तो हमेशा से रही है, वो भी पूरी नहीं है। हाँ। पूरी नहीं भरी। तो ऐसे में 24 साल का लड़का वापस गांव में आ जा, उसमें मान सम्मान की बात, अगर फौज ने ता दिया, शादी ब्याह की भी एक दिक्कत हो जाएगी, ये एक सामाजिक समस्या के रूप में भी आगे विकराल होती दिखती है क्या? बेरोजगारी है ना, सामाजिक समस्या है, बेरोजगारी तो है ही, और बेरोजगारी की वजह से तो जा रहे हैं 4 साल में घर आने के लिए। और ये जो आप नाश्ता कर रहे हैं, बस अब ये रात को ही जब वापस लौटेंगे उसके बाद ही कुछ खाना होगा? खाता हूँ। आप दो ही टाइम खाते हैं? बीच में सेहत थोड़ी नासाज हो गई थी आपकी, आजकल फिर से चेहरा पूरा दमक रहा है। चलो आपको देख के और दमक गया। नहीं, मैं दीपेंद्र से बात कर रहा था, तो दीपेंद्र मैंने कहा सेहत अच्छी बनाई हुई है, यू लुकिंग वेरी यंग एंड स्लिम, तो बोले कि नहीं पापा से आप और पूछना, उनकी सेहत मेरे से भी अच्छी है। तो इसका राज क्या है? आपने कहा आप खिलाड़ी हैं, आप लॉन टेनिस भी खेलते हैं, बैडमिंटन भी, अब क्या खेलते हैं? दर्शकों को शायद ये मालूम नहीं होगा, आप 77 साल के हो चुके हैं, 15 सितंबर को आप 77 साल के हो गए। मैं सैर करता हूँ सुबह। अब जो आप टेनिस खेलते थे या बैडमिंटन? टेनिस बंद कर दी, टेनिस बंद, अब तो सैर करता हूँ। गुड्डों में थोड़ा सा दर्द होने लगा? ठीक है, वैसे ही कोरोना के बाद छूट गया टेनिस, छूट गया अब सैर करता हूँ। तो चलिए, इतना दही खाइए, थोड़ा सा मैं भी खा लूँ, ये मक्खन मेरे को तब से ललचा रहा है। फिर 2-4 सवाल आप, क्योंकि अब निकलेंगे भवानी खेड़ा के लिए, हेलीकॉप्टर से निकलेंगे, वहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करना है, तो रास्ते में थोड़ी और बात करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ये चर्चा और सीधे सवाल, कार्यक्रम का नाम ही सीधा सवाल है, वो जारी रहेंगे। रोहतक में परांठे और घी खाने के बाद और बातचीत की भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, मैं आ गया हूं पलवल के पृथला में, और यहीं पर अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने हेलीकॉप्टर के साथ भी पहुंच गए हैं। और पृथला की जब बात होती है तो हरियाणा का थोड़ा सा इलाकाई समीकरण भी समझाने की ज़रूरत पड़ जाती है। बीजेपी जो 10 साल से सत्ता पर काबिज है, उसके 3 इलाके मजबूत किले साबित हुए हैं, और इन 3 इलाकों में जीटी रोड जो है उसके दोनों तरफ के इलाके, अहीरवाल और तीसरा इलाका जहां मैं खड़ा हूं, यानी कि फरीदाबाद का इलाका, यहां पर 11 में से जो अहीरवाल इलाका है 8 सीटें जीत गई थी बीजेपी, और फरीदाबाद की 9 में से 7 और 1 निर्दलीय भी जीत गया था। तो यहाँ पर कैसे सेंधमारी करेंगे अगर सत्ता पर वापसी करनी है 10 साल बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को? यहाँ पर तेल निकल रहा है, धूल भी उड़ रही है, और धूल ये असमंजस किसके खेमे में ज्यादा है, ये हम पूछने वाले हैं। हेलीकॉप्टर तो रुक गया है, लेकिन हेलीकॉप्टर सत्ता का हेलीकॉप्टर किसका रुकने वाला है, इसकी भी हम पड़ताल अब कर लेते हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उतरने वाले हैं, लगातार जनसभाएं हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं, पैदल चला जा रहा है, गाड़ियों में चला जा रहा है, ये गाड़ियों का काफिला अब लग गया है। ये पास में ही जो इलाका है, यहाँ पर एक रैली, परिवर्तन रैली का आयोजन हो रहा है। और हुड्डा साहब, सुना थोड़ी यमुनानगर में तबीयत नासाज हुई? नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
जो बीजेपी 10 साल से सत्ता पर काबिज रही है, 3 इलाके उसके गढ़ के रूप में उभरे हैं। जीटी रोड के दोनों तरफ का इलाका, एक अहिरवाल और एक ये फरीदाबाद, जहां आज आप रैली कर रहे हैं। यहां पर 9 में से 7 जीत गई, एक निर्दलीय भी उनके साथ चला गया था। तो इसमें किले में सेंधमारी की कोई खास रणनीति बनाई आपने? नहीं, आपके लोगों ने मन बना, पूरे हरियाणा में 36 बरादरी ने, मैंने आपको सुबह ही बताया था, मन बना रखा है। क्योंकि तोल के देख लिए 10 साल हमारे और 10 साल ये इनके विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, भ्रष्टाचार के सिवाय और कोई काम नहीं किया। भ्रष्टाचार के अलावा काम नहीं किया, पर कुछ इलाकों में मजबूती इन्होंने पकड़ी थी, ये एक चुनौती तो आप मानेंगे कि नहीं? नहीं, कौन कौन सी मजबूती पकड़ी थी, वो तो एक हवा थी उस टाइम, पूरे देश में हवा थी, हवा होती है, आपके देख लिया इनको, आशा थी, निराशा बदल चुकी है सब, यहाँ कुछ भी नहीं किया फरीदाबाद में, कुछ नहीं किया है। पर यहाँ पर वो कहते हैं कि हमने कुछ कैसे नहीं किया, हम तो खर्ची पर्ची ये खत्म कर दी। हम सुबह भी बात कर रहे थे रोजगार को लेकर, वो कि जी हुड्डा सरकार आएगी, खर्ची पर्ची का सिस्टम फिर शुरू हो जाएगा, हमने तो सबको रोजगार। ऐसा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इनके पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए, 3 करोड़ जो भी है, करोड़ों रुपए पकड़े गए। और सबॉर्डिनेट सर्विसेज कमीशन के चेयरमैन को सस्पेंड करना पड़ा, और जो कौशल रोजगार का निगम का MD था वो पकड़ा गया। तो कोई जब देखो, इन्हें तो परचून की तरह नौकरियां बेची हैं, कोई भी नौकरी पक्की नहीं है जो कौशल रोजगार निगम लगा रखा है। ठेकेदार सरकार बन गई, ठेके में ना कोई मेरिट है ना रिजर्वेशन है, जो वंचित रह गए शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट, वंचित रह गए रिजर्वेशन से, जो उनका संविधानिक अधिकार है, तो क्या होगा भाई? पर आपके भरोसे पर भरोसा कैसे करे जनता? भी आप कहते हैं 2 लाख नौकरी दिला देंगे, हिमाचल प्रदेश में 1 लाख देनी थी, आप वहाँ की भी देख रेख कर रहे थे, वहाँ नहीं हुआ, ये कहती है बीजेपी। यहाँ तो पोस्ट खाली है, और खुद बीजेपी ने कहा, मान लिया अपनी कमी मान ली है, जो इन्होंने जिस दिन हमने ये वायदा किया अगले दिन इन्होंने किया, इसका मतलब 2 लाख नौकरी खाली है, तो क्यों नहीं देंगे हम? नौकरियों के साथ साथ जो आधारभूत ढांचे का विकास है उसकी भी एक चर्चा बहुत ज़रूरी हो जाती है। नितिन गडकरी कहते हैं कि यहाँ पे तो सड़कों का जाल मैंने ऐसा फैला दिया, 1-2 साल में अमेरिका को भी बीट कर देगा हरियाणा। ऐसा है, जितने नेशनल हाईवे सेंक्शन हुए हैं 90% हमारे समझ गए, बहुत सारी टिकटिंग हो गई थी, लैंग्वेज, ये पहली सरकार है हिंदुस्तान में जो रोड मेरठ से, और हमने मंजूर कराई थी बहादुरगढ़ के पास से होके भिवानी होके राजस्थान जाती है, ये मेरे पास सबूत है, पत्र है जो हरियाणा सरकार ने लिखा खट्टर साहब नेता ने, हमारे को नेशनल हाईवे की जरूरत नहीं है, ये पहली सरकार है। गडकरी जी के पास जब पहुंचा तो उन्होंने कहा भाई 1,000 करोड़ दे दो, पैसा लग चुका, हमने हमारे समय में सारा काम हो चुका, तो फिर जब कागजों में ज़्यादा काम कर दिया, 6 IMT बना दिए, बीजेपी वाले कहते हैं वहाँ पे था कुछ नहीं, सब कुछ इनको दोबारा से नए सिरे से काम करना भी नहीं। क्या IMT बनाए हुए हैं, तो जापान की 70% जो इन्वेस्टमेंट है हिंदुस्तान में हरियाणा में थी, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आए। ये किया हैपनिंग हरियाणा का, हम 6 लाख करोड़ की लाएंगे इन्वेस्टमेंट, आए नहीं 10,000 करोड़ की भी। बल्कि वो हर जिले में मेडिकल कॉलेज की भी बात कर रहे हैं, एक भी नहीं बनाया, बताओ हमने बनाया जितने मेडिकल कॉलेज, कह रहे हैं हमने आधारशिला रख दी, अब वक्त लगता है चीज़ होने। 10 साल में हमने 6 तो सरकारी क्षेत्र में बना दिए थे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, और इन्होंने एक भी नहीं बनाया। अब सड़कों के जाल के साथ साथ रेलवे का जाल भी बढ़ाने की बात है, आप ही के इलाके रोहतक से हांसी अब रेलवे लाइन बिछाएंगे, ये प्रधानमंत्री ने खुद घोषणा की हिसार में। वो रेल रोड रैली करी थी, खड़गे जो आज अध्यक्ष हैं, रेलवे मिनिस्टर थे उस टाइम की थी, लैंड एक्विजिशन हमारे समय में हो गई थी, बल्कि इन्होंने तो आगे कार्रवाई क्यों नहीं करी, 10 साल तक लटकाए रखा उसको। अब ये आम आदमी कंफ्यूज नहीं होता, उल्ला साहब किसकी बात माने? आप कहते हैं मैंने वो जमीन तो मैंने तैयार की, वो कहते हैं हमने आधारशिला रखी। हकीकत तो हकीकत रहेगा, आप जाके वेरीफाई करो पहले, अपना छानबीन करो, पता लीजिएगा, खाली सवाल पूछने से क्या है, दफ्तर में जाके देखो फिर मेरे से बात करना। नहीं, हमने तहकीकात भी की, हम बिना तहकीकात के पूछते नहीं हैं। आपने 81 किलोमीटर मेट्रो लाइन डाली, यहाँ पर नहीं डाली। मैम 80 वाली रोड की जमीन किसके समय में एक्वायर हुई? वो आपके समय में हुई, फिर होगी बात इसमें, पर भरोसे की बात आती है। 10 साल तक रेल लाइन चलाई, जबकि हमने 81 किलोमीटर मेट्रो चला दी थी,
हमने रोहतक से रिवाड़ी तक रेलवे रेल चला दी थी, और सोनीपत से वाया गोहाना जींद तक रेल चल पड़ी थी। पर एक मोदी है तो मोदी की गारंटी है, भरोसे पर आ जाएगी क्या चुनाव का नतीजा? दरअसल भरोसा कौन किस पर ज्यादा कर रहा है? यहाँ तो हरियाणा सरकार की परफॉर्मेंस देखेंगे, किसकी गारंटी है जिसके यहाँ किसकी गारंटी, काम की गारंटी है भाई। डबल इंजन सरकार है, एक इंजन तो फेल हो गया इनका, एक इंजन फेल हो गया, फेल इंजन, फेल फेल सरकार, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट। और अमित शाह तो कह रहे हैं, आज ही उनका बयान है कि कांग्रेस का हाल एक अनार सौ बीमार वाला है, कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे भी तैयार हैं, कुमारी शैलजा भी तैयार हैं, रणदीप सुरजेवाला भी तैयार हैं, ना सरकार बननी ना मुख्यमंत्री बननी। दीपेंद्र जी का तो ऐसे ही नाम कह रहे हैं, उन्होंने कभी कहा ही नहीं, लेकिन पार्टी में जितने ज़्यादा उम्मीदवार होंगे उतनी मजबूती होगी, इसमें क्या दिक्कत है आपको? अगर इच्छा ही नहीं होगी किसी की तो स्टैग्नेट हो जाएंगे, सबकी इच्छा होनी चाहिए भी राजनीति में। आप यहाँ काम कर रहे हो इनके, आप पहले वो क्यों छोड़ के आए भाई, पहले क्यों छोड़, न्यूज़ 24 क्यों छोड़ा है, न्यूज़ 24 क्यों छोड़ के आए? यहाँ अपने आपकी इच्छा होगी, कल को और कोई हो आप फिर यहाँ से कूद जाओगे, लेकिन अगर आपको ऊपर इच्छा ही नहीं होगी, एम्बिशन ही नहीं होगी ऊपर चढ़ाने की, अच्छा काम करने की, तो आप तो स्टैग्नेट हो जाएंगे। पर आप सबसे भरोसेमंद चेहरा है कांग्रेस के हरियाणा में, आपको मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बनाया गया? इसका मलाल होता है कई बार कि जो आपका डिजर्व, जो क्रेडिट आप डिजर्व करते हैं वो मिलता नहीं है, हर बात पे लड़ना पड़ता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई लड़ना पड़ता, कांग्रेस की पद्धति है, जो चुनाव होंगे विधायकों से ऑब्जर्वर उनके मत जानेंगे और पार्टी हाईकमांड फैसला कर देगी, जो पार्टी हाईकमांड फैसला करेगी वो मंजूर होगा। पर इसमें परिवारवाद के आरोप कितने सच होते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी भी कीमत पर आगे के लिए मुख्यमंत्री की गद्दी दीपेंद्र हुड्डा के लिए तैयार रखना चाहते हैं? ये आप लोगों की सोच है। मेरे पिताजी रिटायर हो गए 78 में, 91 में बना था, जिसके भाग्य में जो होगा, जो जिसको थोप नहीं सकते आप किसी को, प्रजातंत्र में लोग जो आगे लेके जाएंगे, जो मेहनत करेगा, जिसके उसमें होगा वो होगा, जो लोगों की आवाज़ उठाएगा, लोगों के साथ रहेगा, मेहनत करेगा, जिसके भाग्य में होगा, जो जिसके कर्म में होगा वो बनेगा। आप जायंट किलर भी रहे हैं, 91 में आए सीधे देवीलाल को हराया, 2005 में आप मुख्यमंत्री भी बने, सबसे लंबे मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के, तो इस बार कितनी सीटों पर आप ताल ठोक रहे हैं? मैंने कहा ना, भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भारी बहुमत का मतलब क्या? 65 होता है, 70 होता है, 60 होता है? देखो मैं गिनती नहीं करता, लेकिन एक जब हवा चलती है तो उसका पता नहीं किस कहां तक नंबर पहुंचे। बहुत से लोग ये भी कहते हैं हुड्डा साहब चाहते हैं 55-60 ही आनी चाहिए, उसमें उनको कोई हटा नहीं पाएगा मुख्यमंत्री के पद से। ये आपकी कहानी है, मैं तो 40 MLA थे, जब भी बन गया, जब नहीं किसी ने हटाया, तो ये तो आपकी कहानी है, जो जिसके जो काम करेगा, जो बनेगा, उसका पूरा मौका दिया जाएगा। आपके मित्र अरविंद केजरीवाल हरियाणा वासी हैं, वो कह रहे हैं उनके समर्थन के बिना सरकार नहीं बनेगी। वो उनकी सोच होगी। अरविंद केजरीवाल के साथ हाथ नहीं मिलाया आपने? हाथ क्या मिलाना, हमारा राष्ट्र स्तर पे है अलायंस, और स्टेट लेवल पे नहीं था। कहने को 5-5 पार्टियां इस बार चुनावी समर में, अब आखिरी सवालों पर आ रहा हूं मैं, पर लड़ाई क्या सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच है? अभय चौटाला, गोपाल कांडा, मायावती एक तरफ, दुष्यंत चौटाला, चंद्रशेखर रावण एक तरफ, आम आदमी पार्टी, क्या ये वोट कटवे की भूमिका में? ये लोकसभा में देख लिया था ना रिजल्ट आपने, मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का आधी आधी आई, ये पार्टियां वहां भी लड़ रही थी चुनाव, 1% भी वोट नहीं आए। लोग रहने लोग बहुत समझदार है, अपनी वोट व्यर्थ नहीं करेंगे, वोट काटोगे वोट नहीं देंगे। सीधा मैंडेट आने वाला है 8 अक्टूबर को, तो मैं अब भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ। कांग्रेस की सरकार आने जा रही है, मुख्यमंत्री कौन होगा मैंने बता दिया आपको, जो विधायक चाहेंगे और फिर हाईकमांड फैसला करेगा। तो हम पृथला की जनसभा जो संबोधित करने वाले हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ आप पाएंगे, और इन्होंने अभी वक्त दिया है हमें, तो हुड्डा साहब आप अपना जारी रखिए यहाँ पर चुनावी रैलियों का जो सिलसिला है, और हम अपना सिलसिला चुनावी कवरेज का वो भी जारी रखेंगे।
तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब यहाँ पर पृथला में जनसभा को संबोधित करते हुए, रैलियां हो रही हैं, यात्राएं हो रही हैं, ताल ठोकी जा रही है, दावे किए जा रहे हैं, भरोसे की बात हो रही है। ये सामान्य सी एक प्रक्रिया होती है चुनाव में। लेकिन हरियाणा में इस इलाके में एक कहावत भी मशहूर है, जाट ने जिब मरा जानी है जब तेरा मी ओले। तो दरअसल वोटों की गिनती जो 8 अक्टूबर को होने वाली है, तब पता लगेगा किसके दावे में, किसके इरादे में कितना दम है, और जनता, हरियाणा की जनता जनार्दन किसको बनाती है मुख्यमंत्री। पृथला से मैं संदीप चौधरी अपने सहयोगी मनीष उनियाल और सुनील कुमार के साथ एबीपी न्यूज के लिए। आज सीधा सवाल में बस इतना ही, नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।